बिग बॉस सीजन 16 में एक बार फिर छोटे भाईजान यानी अब्दुल रोजिक की एंट्री हो चुकी है। अब्दुल रोजिक बिग बॉस के सबसे क्यूट कंटेस्टेंट में से एक हैं। उन्हें इस शो में फैंस और घर वालों का भरपूर प्यार मिल रहा है। वहीं बात अगर शो के होस्ट सलमान खान की करें तो सलमान खान भी अब्दुल रोजिक पर प्यार लुटाने का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो अक्सर उन्हें प्रोटेक्ट करते दिखे हैं, उनकी तारीफें करते दिखे हैं और उन्हें सपोर्ट करते नजर आते हैं। वहीं अब अब्दू से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अब्दू रोजिक अब सलमान खान के साथ बिग बॉस के अलावा एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अब्दू भाई जान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। ये फिल्म अब्दू की पहली हिंदी फिल्म होगी जिससे उनका करियर और तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन फिल्म में अब्दू के रोल को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। वहीं सलमान खान और अब्दुल रोजिक के फैंस फिल्म की रिलीज का अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से अब्दुल के डेब्यू की खबर सामने आई है, फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि फिल्म मेकर्स ने उन्हें कितनी फीस दी है। ऐसे में अब्दुल रोजिक की फीस डिटेल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, बिग बॉस 16 के लिए अब्दू हर हफ्ते 2.5 यानी 2.5 लाख से 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन अब्दू ने बॉलीवुड डेब्यू के लिए कितनी रकम की डिमांड की है वो अभी तक सामने नहीं आई है। अभी सलमान खान की फिल्म के लिए अब्दू ने कितनी फीस चार्ज की है उसके फीस की सटीक आंकड़े का खुलासा अभी नहीं हुआ है। ऐसे में अंदाजे तो यही लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बिग बॉस 16 से मिल रहे पेमेंट से ज्यादा मिलेगा। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन फैंस फिल्म में अब्दू रोजिक की एक्टिंग देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए SMG बॉलीवुड को सब्सक्राइब कीजिए।